देश की जानी मानी कंपनी कैफे कॉफी डे के संस्थापक और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ का शव बरामद किया गया है और सिद्धार्थ का शव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में आज नेत्रावती नदी में मिला है। उनका शव उल्लाल के निकट नदी किनारे आ गया था और स्थानीय मछुआरों ने उसे बाहर निकाला। मैंगलुरु के विधायक यूटी खादर ने बताया कि उनके मित्रों और संबंधियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह शव सिद्धार्थ का ही है। वहीं दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त शशिकांत सैंथिल ने कहा कि यहां एक शव मिला है जो सिद्धार्थ का प्रतीत होता है, लेकिन परिवार को अभी इसकी अंतिम पुष्टि करनी है। साथ ही मैंगलुरु के पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने कहा कि शव को आगे की औपचारिकताओं के लिए वैगलॉक अस्पताल में रखा गया है। बता दें कि सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता थे और करीब 200 लोगों का दल मैंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में उनकी तलाश कर रहा था, लेकिन ऐसी शंका जताई गई थी कि सिद्धार्थ ने कर्ज में डूबे होने के कारण नदी में छलांग लगाई होगी और तभी से उनकी तलाश जारी थी। लेकिन आज उनका शव मिलने से उनके परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।